निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज यह कह सकते हैं कि संपूर्ण संसार बीमार है। वो किस रोग से पीड़ित है? तो आज मैं कहूँगा, सबसे बड़ा रोग आज जो इस संसार में है वो है स्वार्थ का रोग। वह रोग जो आज पूरी मनुष्य जाति को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। और ऐसे में अगर इस स्वार्थ की गति रुकी नहीं तो कुछ दिनों में शायद यह संसार पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा। इसका जीता जाता सबूत या अनुभव हम स्वयं अपनी जीवन में कर रहे हैं या कर चुके हैं। आज जिसे हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, मनुष्य जिसे ईश्वर ने सब रचनाओं के ऊपर बनाया, वही आज अपने स्वार्थ से भरा हुआ है। आज उसके लिए उसकी दुनिया वो सब कुछ है, और उसे पाने के लिए जिस चीज़ की वो लालसा करता है वो कुछ भी करने को तैयार है। और इसलिए आज संसार में इतना ज़्यादा क्रोध, हिंसा, बैर, घृणा, शक्ति के लिए भागदौड़, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं कि मनुष्य किसी और के बारे में सोचता ही नहीं, बस अपने ही बारे में सोच रहा है। आज जगह जगह पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं, लेकिन लोग दया नहीं दिखाते। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अगर हम क्रिस्त जीवन की बात करते हैं तो क्या हम सचमुच में प्रभु येसु क्रिस्त के शिष्य हैं? अगर हम प्रभु येसु क्रिस्त के शिष्य हैं या प्रभु येसु क्रिस्त को दिल से चाहते हैं और उसके नियमों पर चलते हैं, तो क्या हम प्रभु को सचमुच में इस संसार में प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि हम भी संसार के रंग में रंग कर अपने जीवन को भी स्वार्थपूर्ण जीवन बना चुके हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु येसु ने अपने हर एक शिष्य को विनम्रता का पाठ पढ़ाया, नम्र बनने के लिए बुलाया, पवित्र बनने के लिए बुलाया, पूर्ण बनने के लिए बुलाया। और हम सबों को इस मार्ग पर चलना अनिवार्य है, क्योंकि हम ये भूलना नहीं है कि संसार थोड़े समय के लिए हमारा घर है, लेकिन यह हमारा आखिर घर नहीं है। इसके आगे हमें जाना है, और इसलिए इस संसार में जो भी चीज़ें हम आनंद उठाते हैं वो हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है, और ईश्वर ये सारी चीज़ें हम इस संसार में छोड़कर जाएंगे। तो ऐसे में अगर सब कुछ जो हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है, जहाँ हमारा कुछ भी नहीं, तो ऐसे में हम स्वार्थ में क्यों बढ़ें? क्यों ना हम एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे के प्रति दयावान बनकर इस संसार में दिए। आज के वचन में प्रभु आगे कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दया एक ऐसा भाव है जिसे प्रभु यीशु ने अपने स्वयं के जीवन में क्रूस पर चढ़कर उस दया के भाव को हमें सिखाया है। वचन में हम पढ़ते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई किसी दूसरे के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यही सबसे बड़ा बलिदान ईश्वर ने देकर हम सबों को दया का पाठ पढ़ाया है। तो क्या हम इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, या ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर दयालु व्यक्ति बनते हैं? क्योंकि जब जब हम दया करेंगे, ज़रूर बलिदान उसमें का समावेश होगा। और इसलिए आज प्रभु के वचनों को जब हम सुनते हैं तो हम याद करें कि प्रभु ने जो का मार्ग हमें दिखाया है वो स्वयं अपने जीवन में उन्होंने पालन किया, तब कहीं जाकर हमें वो पालन करने के लिए बुलाते हैं। आज के सुसमाचार में मत्ती के बारे में बताया गया है, जिसे प्रभु येशु क्रिस्त एक परिवर्तन के लिए बुलाते हैं, बदलाव के लिए बुलाते हैं, नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन शास्त्री और फरीसी कहते हैं, क्या तुम्हारे जो गुरु है पापियों के साथ भोजन करते हैं? संसार, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज नहीं चाहता कि हम पाप की गुलामी से या बुराई की गुलामी से बाहर निकले। वह चाहता है कि हम उसी में पड़े रहें, सड़ते रहें और कभी अच्छे ना बने। इसलिए जीते जागते उदाहरण आज संसार में हम लोग देखते हैं। जो भी व्यक्ति आज अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं
उनका हर्ष क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है और यह भी कहता है कि वह संसार के अंत तक सदा हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आज का शुभ संदेश हम सबों के लिए है कि हम सबको प्रभु ने प्रेम का पाठ पढ़ाकर दया में बढ़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि संसार में न हम कुछ लेकर आए थे न हम कुछ लेकर जाएंगे, तो हम घमंड या स्वार्थ किस बात का करें। इसलिए प्रभु भी हमसे चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा नियम प्रभु ने हम सबों को दिया है कि जैसे उसने हमें प्यार किया है हम भी एक दूसरे को प्यार करें। तो आइए हम प्रभु को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इस दया के भाव में बढ़ने की कृपा दे, ताकि हम इस संसार में उसके योग्य शिष्य बनकर एक अच्छा साक्ष्य दें, ताकि यीशु क्रिस्त से सभी लोग प्रेम की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की सेवा करें। आमीन।